हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 82 कॉम्पिटेंसी एक कंपोजर शॉर्ट स्टोरी। आपको एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है, कंपोज करनी है। पैराग्राफ या पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। गिवन बिलो ए पिक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, एक घर के निर्माण की यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है आपको। कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण। राइट 5 एंड 10 सेंटेंसेज, आपको 5 से लेकर 10 तक सेंटेंस वाक्य लिखने अबाउट द पिक्चर, इस तस्वीर के बारे में। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया, उसमें कुछ वर्ड दिए गए आपको जो आपकी हेल्प करेंगे, जैसे मेल, फीमेल, पुरुष, महिला, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, हाउस, घर, सीमेंट, ब्रिक्स, ईंटें, वॉल, दीवार, ट्री, पेड़, विलेज, गांव, ब्रिड्स, पक्षी, बकेट, बाल्टी, मग। यहाँ पर क्या है, अभी कुछ व्यक्ति और औरतें क्या कर रही है, अभी आदमी और औरतें मकान निर्माण के कार्य में संलग्न है। यहाँ पर पीछे कुछ खेत दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी इस स्टोरी पिक्चर को लेकर हमें कुछ सेंटेंस क्रिएट करने हैं। जैसे एक औरत है, वो क्या कर रही है, अभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर सीमेंट और गारा दे रही है उसको, व्यक्ति को, मिस्त्री को। ये क्या है, 3 मिस्त्री हैं इसमें और 5 वर्कर्स हैं, उसमें 4 लेडीज हैं, 1 जेंट्स है। अब देखिए, आपके लिए मैं कुछ सेंटेंस इस प्रकार लिख लाया हूँ। देर आर 3 मेल मेसन्स, यहाँ पर क्या है, अभी 3 पुरुष मिस्त्री हैं। मेसन क्या होते हैं, अभी जो ईंटों से मकान बनाते हैं वो मिस्त्री, 1, 2, 3। एंड ए मेल वर्कर, यहाँ पर एक मेल वर्कर है। देर आर 4 फीमेल वर्कर्स, यहाँ पर 4 महिलाएं हैं जो काम करने वाली हैं। कामगार कितनी महिलाएं, भी 4 महिलाएं हैं। ए फीमेल वर्कर इज क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, एक जो महिला वर्कर है वो क्या कर रही है, अभी सीढ़ियों पर चढ़ रही है। किसे, विद ब्रिक्स और सीमेंट, वह क्या लेके चढ़ रही है, अभी सीमेंट और ईंटें लेके चढ़ रही है, जिसे हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, अभी गारा बोलते हैं। ए द जग एंड बकेट इज यूज फॉर मिक्सिंग सीमेंट विद बाजरी, बजरी। अब देखो, अभी यहाँ पर एक व्यक्ति क्या लेके क्या कर रहा है, अभी सीमेंट और बजरी को मिक्स कर रहा है। उसने बाल्टी भर रखी है पानी की और एक समय मग ले रखा है या जग ले रखा है। अब यहाँ पर क्या है, अभी आप मग लिखो या जग लिखो, मग एंड बकेट है उसका उपयोग क्या होता है, अभी सीमेंट को मिक्स करने के लिए बजरी के साथ में पानी के लिए उपयोग किया जा रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस एंड ट्रीज, पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी घर के ऊपर से और पेड़ों के ऊपर से उड़ रहे हैं। यहाँ पीछे हमें पिक्चर में दिखाया गया है ये पक्षी रहे। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, अभी इन विलेज द हाउसेज वॉल, गाँव में जो घरों की दीवारें हैं, आर बिल्ड, बनाई जाती है विद ब्रिक्स एंड सीमेंट, किससे बनाई जाती हैं, भी ईंटों से और सीमेंट से बनाई जाती हैं। इसके बारे में आप और सेंटेंस में लिख सकते हो, एक औरत है वो क्या कर रही है, अभी ईंटें कलेक्ट कर रही है, एक औरत क्या है, अभी ईंटें लेके जा रही है। इस प्रकार आप और सेंटेंस में लिख सकते हो। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 83 कॉम्पिटेंसी राइट्स इनफॉर्मल लेटर अप्रोप्रिएटली, आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। इसमें देखो, सीता इज राइटिंग ए लेटर टू ए फ्रेंड, सीता है वो अपने एक मित्र को क्या लिख रही है, अभी पत्र लिख रही है, विशिंग हर हैप्पी बर्थडे, और वह क्या विश कर रही है, अभी हैप्पी बर्थडे विश कर रही है उसे। कंप्लीट द लेटर यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे कुछ वर्ड दिए गए उनका प्रयोग करते हुए आपको लेटर को कम्प्लीट करना है, जैसे बर्थडे, रिटर्न, हेल्थ, हैप्पीनेस, लिव लॉन्ग। तो इसमें क्या होता है, अभी लेटर लिखते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, अभी जहाँ पर हमको पत्र भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं। जैसे ये सीता है वो पत्र लिख रही है, वो पत्र भेज रही है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है पूजा, पूजा को भेज रही है, तो पूजा का एड्रेस लिखा हो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर शांति विवार कॉलोनी, यहाँ पर कॉलोनी दी हुई है आपका, यहाँ पर जो भी आपका नाम आए या आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसका नाम लिख दो आप, या गाँव में रहते हो तो गाँव में लिख दो, गली का नंबर लिख दो, जयपुर रोड अजमेर। अब यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पर अजमेर, हनुमानगढ़, दिल्ली कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पर आप रहते हो। अब यहाँ पर तारीख लिखी है 15 फरवरी, ये 15 तारीख को हम क्या लिख रहे हैं, अभी पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर तारीख आ जाएगी 2023 लिखा हुई है। डियर पूजा, अब क्या है, अभी यहाँ पर पूजा को लिख रहे हैं, तो यहाँ प्रिय पूजा आई विश, मैं चाहती हूँ
या विश करती हूँ यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, आपका जो जन्मदिन है वो बड़ा अच्छा हो। आगे दिया हुआ आई विश यू आर वेल विद योर फ्रेंड्स, आप ये लाइन लिख सकते हो, मैं इच्छा करती हूँ कि आप अपने माता पिता के साथ में बहुत अच्छी होंगी। मे दिस डे, यह दिन रिटर्न विद हैप्पीनेस, खुशियों के साथ आपके पास आए। एंड गुड हेल्थ फॉर यू, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य स्वस्थ स्वास्थ्य लेकर आए। आई होप, मैं आशा करती हूँ यू लिव लॉन्ग इन लाइफ, आपका जीवन लंबा हो, खुशियों से भरा हुआ हो। इस प्रकार आप और सेंटेंस भी लिख सकते हो। आगे आई विश, मैं चाहती हूँ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगेन हैप्पी बर्थडे डियर, दोबारा मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ प्रिय। लॉट्स ऑफ लव, प्यार के साथ में। योर्स लविंग सिस्टर, आपकी प्यारी बहन सीता। यहाँ पर आप जो पत्र लिख रही है उसका नाम आ जाएगा, आप लिखोगे सीता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक।